1296 बोतल शराब का मिला इस शराबबंदी कानून के लगता है कि लागू करना चाहते हैं। मेरे पास जो पोर्टल लखीसराय से आया है उसमें उनके समधी के घर पे 1296 बोतल शराब का मिला है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, प्लीज इसकी जांच करवाइए। क्या इसको दिखवाने का सरकार आसन के निर्देश का पालन करे? मेरे पास एक इंफॉर्मेशन पोर्टल की है और उसकी जांच होनी चाहिए। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 दिसंबर 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 59 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 19 दिसंबर क्या सेकंड का एक इंटरवेंशन मांगता हूं। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन पोर्टल की है और उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस विषय पे आज नेता प्रतिपक्ष यहां से चले गए हैं और शराबबंदी कानून के लगता है कि लागू करना चाहते हैं। मेरे पास जो पोर्टल लखीसराय से आया है उसमें उनके समधी के घर पे 1296 बोतल शराब का मिला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये पोर्टल है यहां, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, प्लीज इसकी जांच करवाइए। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या पोर्टल है, प्लीज इसकी जांच किया। वो परसों अगर आएंगे तो उनसे पूछा जाए और उनको जांच में मदद करना चाहिए। और घर भी सील हुआ वो वाला, तो क्या सच्चाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें ये खबर आई है। इसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी कोई बात, कोई इल्जाम तराशी की बात नहीं कर रहा है। प्लीज अगर कहिएगा तो मैं आपके सूचना को सर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां बैठे हुए हैं जी, ठीक है, सुन रहे हैं और इसके संबंध में अपने स्तर से भी दिखलवाने का काम करेंगे। कृपा माननीय सदस्य, इसलिए अब सभा सरकार जो माननीय सदस्य शकील अहमद जी ने जो बात उठाई है और आसन ने जो निर्देश दिया है इसको दिखवाने का सरकार आसन के निर्देश का पालन करेगी। बहुत धन्यवाद। अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 19 दिसंबर 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन पोर्टल की है और उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस विषय पे आज नेता प्रतिपक्ष यहां से चले गए हैं और शराबबंदी कानून के लगता है कि लागू करना चाहते हैं। मेरे पास जो पोर्टल लखीसराय से आया है उसमें उनके समधी के घर पे 1296 बोतल शराब का मिला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये पोर्टल है यहां, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, प्लीज इसकी जांच करवाइए। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या पोर्टल है, प्लीज इसकी जांच किया। वो परसों अगर आएंगे तो उनसे पूछा जाए और उनको जांच में मदद करना चाहिए। और घर भी सील हुआ वो वाला, तो क्या सच्चाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें ये खबर आई है। इसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी कोई बात, कोई इल्जाम तराशी की बात नहीं कर रहा है।